गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आपने मेरा लास्ट लेक्चर जो FIR के ऊपर था उसको अच्छा एंजॉय किया है। देख रहा हूँ काफ़ी अच्छे लाइक्स आए हैं, काफ़ी अच्छे व्यूज़ हुए हैं। और स्टूडेंट्स, उस आज जो हम नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, नया टॉपिक जो है वो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन। लॉ की क्लास है तो हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन, इसमें हम आज जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक विल बी द पोस्टमार्टम। और CRPC का सेक्शन जो है वो 293 होगा, और साथ में इंडियन एविडेंस का जो सेक्शन है वो 45 हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले दो क्वेश्चंस आए थे पिछले टॉपिक के ऊपर, FIR के ऊपर, उनको भी मैं लेना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन था कि क्या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी FIR लॉन्च करवा सकता है? यस, डेफिनेटली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी FIR को लॉन्च करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, और अगर वहां पर कोई एक्साइज एक्ट की वायलेशन उन्होंने पकड़ी है तो वो पुलिस स्टेशन को अप्रोच कर सकते हैं और FIR अपनी कंप्लेंट वहां पर लॉज करवा सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट है, तो अगर उनको कोई असेंशियल कमोडिटीज एक्ट की कोई वायलेशन मिलती है तो वो भी अपनी कंप्लेंट जो है लॉज करवा सकते हैं और उसके अगेंस्ट जो है FIR लॉज होगी। ऐसे ही PW डिपार्टमेंट है, कोई उनको लगता है कि किसी ठेकेदार ने कोई बहुत मेजर कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है तो वो भी FIR लॉज करवा सकते हैं। तो ऐसे ही सभी डिपार्टमेंट्स जो है FIR को लॉज करवा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो था वो है कि हु कैन बी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो इस क्वेश्चन को हम आज के टॉपिक में ही डिस्कस करेंगे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो डिपेंड करता है स्टेट पुलिस रूल्स के ऊपर। डिफरेंट स्टेट्स के अपने अपने रूल्स हैं, पर नॉर्मली जो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से शुरू होता है और डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द क्राइम, सीरियसनेस ऑफ द क्राइम, कौन से लोग इन्वॉल्व्ड हैं। अगर क्राइम इज वेरी सीरियस या कुछ सोसाइटी के बड़े हाई इन्फ्लुएंशियल लोग इन्वॉल्व्ड हैं, देन डेफिनेटली सम सीनियर पुलिस ऑफिसर जो है उसकी ड्यूटी लगती है एज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। DSP साहब की ड्यूटी लग सकती है, इवन SSP हिमसेल्फ कैन बी द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो अब हम आएंगे अपने करंट टॉपिक के ऊपर, जो आज का हमारा टॉपिक है पुलिस इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या है और इसका क्या पर्पस है। जब भी किसी पुलिस स्टेशन में एक इंफॉर्मेशन आती है कि कोई ऑफेंस जो है सोसाइटी के अंदर कमिट हुआ है, उस पुलिस स्टेशन की टेरिटोरियल जरिस्डिक्शन के बीच में कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, तो इमीडिएटली वो DDR एक रजिस्टर होती है और एक इन्वेस्टिगेशन टीम को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, जिसकी ये ड्यूटी होती है कि वो क्राइम सीन को विजिट करे और उस ऑफेंडर को पकड़े और उसको डिटेन करे और उसके अगेंस्ट एविडेंसेस जो हैं उसको कलेक्ट करें और उस ऑफेंडर को जो है कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करें, ताकि उनको पनिशमेंट जो है कोर्ट जो है उनको पनिशमेंट कर दे। तो दिस इज दी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पर्पस है। और हमने लास्ट टॉपिक में जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो एक जो सेक्शन 156 CRPC है, 156 CRPC, वो इम्पावर करता है पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो वो हम ऑलरेडी उसको डिस्कस कर चुके हैं,
मेरी सभी स्टूडेंट्स को ये एडवाइस है कि मेरे जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो एक तो टॉपिक वाइज हैं, प्लस सभी टॉपिक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक सीरीज में हैं, एक क्रमवार हैं। तो मेरी एडवाइस है कि बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, आप लोग इसको जो है सभी वीडियोस को देखें, क्योंकि कुछ टॉपिक जो है रिलेटेड टॉपिक पिछले वीडियो में डिस्कस हो गया होता है और उसको बार बार हम टाइम की वजह से डिस्कस नहीं कर सकते। तो अभी हम आज जो टॉपिक है पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम इसको हम एक बिल्कुल रियल केस के साथ, जो कोर्ट के अंदर केस आया उसके एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस करेंगे। एक टेलीफोन कॉल आती है कि एक घर के अंदर मर्डर हो गया है, पुलिस स्टेशन पुलिस टीम विजिट करती है और वो वहां पर देखते हैं कि एक व्यक्ति बैठा है चेयर के ऊपर और उसको ही कहा गया है कि इसका मर्डर हुआ है। बिल्कुल नॉर्मल सा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है आदमी। तो वहां पर पुलिस इमीडिएटली जो है अपनी 174 सीआरपीसी के अंदर अपनी जो कार्रवाई है, इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग शुरू करती है, पता करती है। तो पता लगता है कि इस आदमी का पिछले दिन में अपनी एक्स वाइफ के साथ झगड़ा हुआ, जो डाइवोर्स हो चुका था। उनको वो बता रहे हैं कि उनकी एक्स वाइफ का उसको फोन आया तो वो नीचे उतर कर पार्क में गया, तो वहां पर मामूली सा झगड़ा हुआ वाइफ का। वाइफ के साथ उसके फादर थे, उनका ब्रदर था, और वो आदमी जो है मामूली सा झगड़ा हुआ, उसके बाद वो आदमी खुद चलकर अपने घर आया है, मदर को बताता है कि मेरे को हल्की सी मेरे साथ मारपीट हुई है। तो मदर कहती है आप रेस्ट कर लीजिए, रेस्ट करता है। सुबह उठता है तो बोलता है कि मेरा दिल घबरा रहा है, सडनली जो है बैठे बैठे उसकी डेथ हो जाती है। तो दिस इज अ रियल केस, और मैं कहूंगा कि हम सबको एक सबक भी मिलता है कि ये छोटे छोटे झगड़े भी जो है कई बार बहुत बड़े रूप ले लेते हैं। तो उसमें जो है इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स में पुलिस जो है फाइनली वो कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हाँ, उनकी बयान होते हैं तो उनको लगता है कि हाँ इसका मर्डर हुआ है। तो वो जो है फिर एफआईआर के लिए पुलिस स्टेशन में मैसेज भेजते हैं, प्लस उस बॉडी का जो है पोस्टमार्टम के लिए उस बॉडी को जो है सिविल हॉस्पिटल में भेजा जाता है। तो अब ये जो पोस्टमार्टम है, ये हमारी जो सीआरपीसी का सेक्शन 293 है, जो हमारा जो सीआरपीसी है ये एक प्रोसीजरल लॉ है, ये सब्सटेंशियल लॉ नहीं है, ये प्रोसीजर को डिफाइन करता है। तो जो सीआरपीसी का सेक्शन 293 है वो गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट को डील करता है, यानी कि कभी कोई ऐसा इशू क्रिएट होता है जहां पर किसी साइंटिफिक एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी है, तो वहां पर जो प्रोसीजर लेट डाउन किया गया है वो सेक्शन 293 के अंदर किया गया है। डिटेल्ड सेक्शन है, इसके सब सेक्शन, चार सब सेक्शंस हैं। तो जो सब सेक्शन वन है, 293(1), वो ये कहता है कि किसी भी गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट जो उसके अपने हाथ से बनी हुई है, मीन्स जहां पर उसके सिग्नेचर हैं, तो वहां उस डॉक्यूमेंट को जो है एज ए एविडेंस जो है कोर्ट के अंदर प्रस्तुत किया जा सकता है। अब सब सेक्शन टू जो है 293 का, वो ये कहता है कि कोर्ट को अगर ठीक लगता है तो वो उस एक्सपर्ट को कोर्ट में बुला सकती है और उससे उस
उस केस के बारे में पूछताछ, उसकी ओपिनियन के बारे में पूछताछ कर सकती है। सबसेक्शन थ्री है वो ये कहता है 293 का कि अगर वो जो ऑफिसर है जिसको समन किया गया है बाय द कोर्ट, वो किसी वजह से कोर्ट में नहीं आ सकता, तो वो किसी और रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को अपनी जगह भेज सकता है। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है कि अगर कोर्ट ने पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली ये डायरेक्ट किया कि ही हैज टू अटेंड पर्सनली, तो फिर उसे पर्सनली कोर्ट को अटेंड करना पड़ेगा और अपनी स्टेटमेंट जो है देनी पड़ेगी। सबसेक्शन फोर जो है 293 का वो डिफाइन करता है कि छह तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स, वो जो है अपनी ओपिनियन जो है दे सकते हैं। इसके अंदर जो है क्लॉज ए जो है उसके अंदर कहा गया है अ गवर्नमेंट केमिकल एग्जामिनर और असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर जो है ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो अपनी साइंटिफिक रिपोर्ट जो है दे सकते हैं। बी के अंदर जो आता है वो जो है बी के अंदर जो है वो है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ एक्सप्लोसिव, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ एक्सप्लोसिव। सी जो कहता है डायरेक्टर ऑफ फिंगर ब्यूरो, डायरेक्टर ऑफ फिंगर ब्यूरो। और डी जो बता रहा है वो है डायरेक्टर हैफकिंस इंस्टीट्यूट, हैफकिन इंस्टीट्यूट मुंबई। और ई जो है वो कहता है डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जिसको हम CFSL बोलते हैं, या स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर। और जो एफ है उसमें गवर्नमेंट सेरोलॉजिस्ट मींस डॉक्टर। तो ये छह लोग जो हैं एक एक्सपर्ट, साइंटिफिक एक्सपर्ट्स जो हैं डिफाइन किए गए हैं। तो ये हमने बात की है प्रोसीजर की अंडर सेक्शन 293 ऑफ CRPC। अब इसी के साथ इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 45, सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सेक्शन कहता है कि ड्यूरिंग ट्रायल अगर कोर्ट को लगता है कि अगर मैटर, सब्जेक्ट मैटर इज ऑफ द फॉरेन लॉ या कोई साइंटिफिक इशू है या कोई आर्ट का मैटर है या कोई आइडेंटिटी करनी है हैंडराइटिंग की या फिंगरप्रिंट की, तो इसके ऊपर जो है किसी साइंटिफिक एक्सपर्ट की ओपिनियन ली जा सकती है। अब हमें थोड़ा सा यहां देखना होगा कि वहां पर ओपिनियन जो मांगी जा रही है उसकी जो एविडेंशियरी वैल्यू है वो सिर्फ एडवाइजरी है। रीजन बीइंग क्योंकि वो जो साइंटिफिक एक्सपर्ट है वो कभी भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं रहा, उसकी कभी भी स्टेटमेंट नहीं ली गई, ही इज नॉट द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, ना ही कोई उसकी उसका चीफ एग्जामिनेशन हुआ, ना ही उसका कोई क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। तो वो सिर्फ एक एडवाइजरी वैल्यू है, वो कोई सब्सटेंशियल जो है एविडेंसरी वैल्यू उसकी नहीं है। अब थोड़ा सा हम पोस्टमार्टम के मेडिकल
पार्ट पे आ जाएंगे। वैसे तो मेन हमें सिर्फ लीगल को ही डिस्कस करना है। मेडिकल में हम जो है ये जो डिस्कस करेंगे कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो एक तो टाइम ऑफ द डेथ बताती है, दूसरा कॉज ऑफ द डेथ बताती है। पोस्टमार्टम के अंदर एक एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी किया जाता है, और साथ में जो पोस्टमार्टम है वो नेचर ऑफ द डेथ भी बताती है। नेचर ऑफ डेथ में आता है कि वेदर द डेथ इज सुसाइडिकल, मीन्स क्या डेथ किसी सुसाइड की वजह से हुआ है, वेदर द डेथ इज एक्सीडेंटल, क्या ये किसी एक्सीडेंट एक्सीडेंट मीन्स कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगा है किसी को, या कोई जो है उसको जो है किसी तरह का किसी जानवर के साथ जानवर ने उसको मार ली, मीन्स बाय एक्सीडेंट। थर्ड इज द होमिसाइडल, होमिसाइडल मीन्स अ किलिंग बाय ए पर्सन, होमिसाइडल जिसके अंदर किसी एक ह्यूमन की किलिंग जो है दूसरे ह्यूमन से होना जरूरी है। तो आज जो टॉपिक को हम यहीं पर क्लोज करेंगे। फिर जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप नेक्स्ट टॉपिक में उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही मैं मिस्टर प्रवीण जावलिया जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं माइंड मेंटेनर के इस चैनल के, उनका मैं थैंक्स करूंगा कि वो मुझे इस चैनल पे इनवाइट करते हैं और मैं आप स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूं, और मैं साथ में ही अनुभव जी का भी थैंक्स करूंगा जो अपना वैल्यूएबल टाइम निकालते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।